नमस्कार, ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वैसे तो हम हर दिन अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन चार दिन कार्तिक महीने के ये बड़े स्ट्रांग है। आपने ये चार दिन अगर किसी खास समय पर अपने घर की सफाई करी ना, तो मां लक्ष्मी का आगमन हमेशा आपके घर में रहेगा। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से थ्रू रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जरूर आएगी, धन का आगमन आपके घर में जरूर रहेगा। लेकिन अब ये चार दिन है कौन से? कार्तिक महीने का ही दिन है। कार्तिक महीना जो है वो चल ही रहा है, और विष्णु भगवान के जागने से पहले, हम किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, हम अपने घर की शुभता शुद्धता बहुत अच्छे से बनाते हैं। चतुर्मास चार महीने से शयन निद्रा में थे भगवान विष्णु, अब जागने की अवस्था में जा रहे हैं, और ऐसे में उन्हें मनाने के लिए आपने कुछ तो चीजें अच्छी करनी है ना। सबसे पहले तो अपने घर को साफ सुथरा करना है, और लेकिन साफ सुथरा जो अपने घर को करना है किस खास समय पर करना है, ताकि आपकी एक एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी से क्रिएट हो। 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी 12, 13, 14, 15 ये 4 डेज है जब आपने जो सफाई तो आप करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं ना, कि जब मन किया कर लिया, सूर्य उदय से पहले करनी है। कर पाएंगे क्या? पाना बहुत कुछ चाहते हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी, तो एफर्ट्स कहां से आएंगे? कैसे एफर्ट्स कहां? एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, आएंगी तो तभी चीजें। तो सूर्य उदय से पहले ये 4 डेज अगर आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, तो आपके घर में जो एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा क्रिएट होगा वो आपको पूरा साल सुरक्षित रखेगा, स्वस्थ रखेगा, सुखों से भरा हुआ रखेगा। एक, सबसे पहले तो आपने ये काम जरूर करना है, घर की साफ सफाई करना है। अब ये घर की साफ सफाई पता चले नहाने आप बाद में जा रहे हैं दोपहर में, तो सुबह जल्दी नहा लीजिए ना, उससे पहले नहा भी लीजिए। नहा करके आप घर की साफ सफाई कीजिए, उसके बाद पूरे घर का जो वातावरण है उसे शुद्ध करने के लिए आपने गंगा जल का छिड़काव 4 दिन लगातार सफाई करने के बाद अपने घर में करना है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि कैसे हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, कैसे हम अपने ऑरा को इनहेंस करें, कैसे हम अपने घर के वातावरण को बड़ा शुद्ध और शुभ करें। यही समय होता है जहां आप अपने घर की एनर्जी बहुत अच्छी से क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप अपने बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। और जब घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, शुद्ध और शुभ रहता है, तो हमारा मन जो होता है वो बहुत शांत रहता है, और हर काम में हमारा मन बहुत अच्छे से लगता है, और उसका रिजल्ट भी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे से आता है। रिजल्ट पाना है लेकिन काम कुछ नहीं करना है, मन से उठना है, मन से जागना है, मन से काम करने हैं, और अपने मन से ही कुछ चीजें करते रहे। लेकिन आपने इस बार 4 दिन जो है कार्तिक महीने के, जो कि हमने आपको बता दिया, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, यानी 12, 13, 14 एंड 15, ये 4 डेज आपने अपने घर के अगर ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाना है साल भर के लिए, तो सुबह सूर्योदय से पहले नहा धो करके सूर्योदय से पहले अपने घर की सफाई कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव भी कर दीजिए। यानी ये सारी विधियां जो है ये सूर्योदय से पहले की है। बच्चे खास करके सूर्य उदय के बाद सोए ना, यानी सूर्योदय से पहले उनको उठना चाहिए, जागना चाहिए। मात्र कुछ दिन बड़े हैं जिसमें हम अपनी एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। बच्चे भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, देर तक सोना, देर तक जागना, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। जब सिस्टम को आप ब्रेक कर देते हैं तो वहां परेशानियों को आप न्योता खुद ही दे देते हैं, यानी उनको वेलकम खुद ही करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये 4 डेज आपकी जिंदगी में मिरेकल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप जरूर इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। खुशी रहने के लिए ना हमेशा हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। पॉजिटिव रहें, हमेशा आप खुश रहेंगे। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।